जो देख सकते हैं एमडीबीबी को, कुछ तो यहाँ कारीगरी होते हुए, ठीक है क्या बीबी? ये इसका क्या ये इसका क्या मतलब था? शीशी से क्या किया आप? कुट कुट करके देख रहे हैं, इतना सारा ग्लेयर हो गया, ये देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट से। तो यहाँ पे ये देखिए, आपको क्या लगा कोलैबोरेशन है? देखिए ये डब्बा पढ़ेंगे क्या, क्या करेंगे DIY, असो क्या बनाएंगे DIY, DIY में क्या बनाएंगे DIY, नॉट श्योर बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। ये दो बॉक्स को हम बहुत दिन से जमा जमा करके रखे थे क्या है? ये दोनों बॉक्स लिए हैं, प्लस लिए हैं ये औजार कटिंग उटिंग के लिए, कैंची लिए हैं, इस पे रख के कटेंगे काटेंगे, इधर उधर इधर उधर मत काटिएगा, ये बहुत सार फैशन है। एक बार गलती से ना कहीं रख के काट दियो, कट ही गया। अरे बाप, अब झाजी को नहीं बताएंगे वो कहाँ कटा, वो अपना कभी जाने। अरे उसके बाद ये लिए हैं, ये जो मंगाया था ना, ये वॉलवेट, ये लिए हैं साथ में। ये जो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है हमारा टिश्यू रोल, जिसको ना हम जमा जमा करके रखे हैं, इसीलिए बहुत सारे टिश्यू जमा हो रहा था। ये बोला रोल, ये सब टिश्यू रोल है, इसको जमा किए हैं। साथ में ये भी लेके आए हैं, ये है डंडा है डांडिया वाला, तो इसका यूज कर लेते हैं, फिर डांडिया बनाएंगे आप लोगों के साथ। ये डंडा है, तो हम सोच रहे हैं कि देखेंगे ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे, आई एम नॉट श्योर अभी, ठीक है। लेंथ देखना पड़ेगा कि कौन बेटर है, ये बेटर है कि ये बेटर है, क्योंकि ऐसे रखने के लिए और ये रखेंगे तो इसके बाद नहीं छोटा हो जाएगा, हम ये सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं। इसीलिए ये भी है हमारे पास और ये भी है, तो दोनों में से कौन सा यूज करेंगे वो तो बाद में शेयर करेंगे, समझे। साथ में यहाँ पे लिए हैं सेलो टेप, और क्या बनेगा, बनेगा ये स्टैंड बनेगा, बैंगल के लिए हम स्टैंड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चार या पांच या छह लेयर बनाएंगे अभी, वो भी श्योर नहीं है, जैसे जैसे अपडेट देंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। लोग ना पूछेगा ना, मैडम आप श्योर कौन चीज के लिए हैं भाई? डिनर में क्या बनेगा ये श्योर है, ठीक है। शॉपिंग में क्या बनेगा, शॉपिंग क्या बनेगा ये भी श्योर है, बट इसके लिए हम श्योर नहीं है। तो अभी करना है, ब्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं, अगर ब्लॉग हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए। और थैंक यू, आप लोगों ने उस मिरर को बहुत पसंद किया, मोजाइक वाला आर्ट को, ये वाला, इस मिरर के बारे में स्मिता मैडम बोल रहे हैं, तो आप लोग ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा बना, और बहुत लोगों ने कमेंट किया दीदी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बनाया तुम, फर्स्ट टाइम में लोगों ने बोला दीदी फर्स्ट टाइम बनाए थे बहुत अच्छा लगा, समझे। तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत सारा, तो जैसे जैसे कोई DIY करते हो ना तो आप लोग के साथ शेयर करते हो। चलिए अभी बैंगल वाला स्टैंड बनाएंगे, कितना बनता है दिखाते रहते, इसको कटिंग चटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय। तो चलिए पूरा बॉक्स को कट कर लिए हैं, कट करने के बाद एक कट करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा वीडियो इतना लंबा हो जाता है। तो अब इसकी मेजर की बात करें तो मेजर का कितना लिया है, इसका हाइट लिए हैं 25 सेंटीमीटर लिए हैं, और इसका चौड़ाई जो है वो 17 सेंटीमीटर लिए हैं। अब इसे हमें लगाना है कट, और सुबह के बज रहे 9, सारा काम वाम करके रशीद को स्कूल भेज चुके हैं, झाजी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने के लिए बैठ गए। मेरे को है कि आज शाम तक इसको डन करना है, और कितना परफेक्ट बनता है वो तो आप लोग बताना। तो चलिए इसको कट लगाते हैं, और इसको ना पहले इतना बड़ा बॉक्स था, बॉक्स को कट करने में ही भाई बहुत मेहनत लगता है, उसको पहले कट किए, कट करने के बाद प्रॉपर मेजर दिए, मेजर देने के बाद एक पार्ट को कट किए, फिर ये सेकेंड पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, और इससे पहले एक पार्ट मेरा ख़राब भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, 1 मीटर वॉलवेट का ये मंगाए हैं पेपर, और ये चिपकाने वाला है, ये मस्त आराम से चिपक जाता है, पीछे ग्लू लगा हुआ है। और ये बहुत लोगों का कमेंट आता है दीदी DIY का सामान आप कहाँ से लेते हो, तो DIY का सामान हम ना अमेजन से, टेमू से, साइन से, यहाँ से लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी, और यहाँ पे कट लगा रहे हैं, इसको मेरे को कवर करना है,
कवर करने के लिए इसको मेजर ले लेते हैं। मेजर लेने के बाद इसे कप ये जो पेपर है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि अच्छे से कवर हो सके। और इसमें ना मस्त है, ग्लू लगा हुआ है और आपको चिपकाने में बहुत ईजी, आराम से चिपक जाता है। तो कोई भी DIY करने के लिए, जैसे दिवाली आ रहा है, कोई भी DIY करने के लिए ये वाला बॉल बेट मंगा सकते हो। इतना अच्छा है ना कि हम बता नहीं सकते। ग्लू वगैरह चिपकाने का कोई ज़रूरत नहीं, अब ये आराम से चिपक जाएगा। तो चलिए ये चिपक गया। अब क्या है ना, अब तो ऐसे रहेगा नहीं, जिस शेप में है उस शेप में इसको कट लगाना। और कट लगाने वाला काम ना बहुत धीरे धीरे आपको करना है ताकि ना खराब ना हो। अगर खराब होगा ना तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा ये चिपक चुका है। चिपकने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के अब हमें जिस डिजाइन में वो कटिंग हुआ पड़ा है उसको कट लगाना है। तो इसका हमने एक पीस बना लिया है और ये सेकेंड पीस कर रहा है, क्योंकि ये सब करने में ना टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको करना है हर चीज़। तो यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं। एक मेरा ये देखिए, ये बन चुका है, ये देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। ये पूरा कट हो चुका है एकदम शेप में और अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं, अब दोनों साइड तो चलिए हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए, अब चाहिए रोल, जो टिश्यू का रोल है ना, डंडा जिस पे बनाना है वो चाहिए। उसके लिए भी हमको मतलब मेजर करके इसको कट कर लिए, बट ये वाला साइज छोटा हो गया। ये थोड़ा सा ना मेजर करने में गलती कही या जो कही, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो चलिए कोई नहीं, दूसरा वाला ले के लगाएंगे, इसको लास्ट में यूज करेंगे, किसी भी चीज़ में यूज हो जाएगा। 1 मीटर का है, देखते हैं कि घटेगा कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी तक कटिंग की है ना, 1 मीटर पूर जाना चाहिए। देखते हैं कि कैसा होता है। तो चलिए ये वाला जो टिश्यू देख रहे हैं ना, ये किचन पेपर का है। इसको हमें स्टोर करके रखे थे कि मेरे को ये वाला DIY करना है। बहुत दिनों से था कि ये वाला हमको DIY करना है, आप लोग के साथ शेयर भी करना है। तो फाइनली वो दिन आ गया जो हम बना रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग बताने भी कैसा बना है। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और क्रिएटिविटी करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है कुछ भी। और ये सब काम करना, स्पेशली जब फेस्टिवल का सीजन आता है ना, तो मेरे को और लगता है कुछ कुछ बनाए, कुछ यूनिक चीज़ करें। तो चलिए इसको रोल करते हैं। रोल करने के बाद दोनों साइड में भी मेरे को लगाना है ताकि वो जो टिश्यू है ना वो पूरा कवर हो जाए और दिखने में अच्छा दिखे। क्या बोलते हैं? और ये वाला जो बॉल बेट है ना, इसमें ना आपको 4 से 5 कलर मिल जाएगा। और ये ना जैसे 1 मीटर का है वैसे ही आप 3 मीटर 5 मीटर अलग अलग साइज का मिलता है, आपको जितना मीटर का लेना है। मेरे को था कि 1 मीटर में हो जाएगा तो हमने 1 मीटर ही ऑर्डर दिया। और इसमें 2-3 तरह का कलर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोनों साइड हो गया हमारा, मिडिल भी हो गया। अब हमें बॉटम चाहिए, तो बॉटम के लिए यहाँ 30 सेंटीमीटर लिए हैं, इसको भी हमें कवर करना है। आप चाहे तो दोनों साइड कवर कर सकते हैं, बट मेरे पास 1 ही मीटर का ये पेपर है तो हम एक ही साइड जो फ्रंट है ना बस उसी को चिपकाएंगे, बैक को नहीं। बैक तो भाई नीचे रहेगा ना सपोर्ट में, तो वो बैक का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा है तो पीछे भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ इसको कर देते हैं, पूरा अच्छे से चिपका देते हैं ताकि दिखने में सुंदर लगे। और यहाँ पे ये देखिए मस्त लग रहा है। अब बारी आए, दिमाग घूमते रहता, अब बारी आए यहाँ पे ना, सोचिए कुछ गोल्डन लुक देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये गोल्डन वाला रिबन था, उसको लगा रहे हैं ताकि दिखने में ना सुंदर लगे। पहले ये आइडिया में नहीं था कि ये करना है, लेकिन बनाने के बाद मेरे को ना थोड़ा सा खाली खालीपन लग रहा था, कुछ तो मिसिंग लग रहा है, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए इस पर। तो ये गोल्डन वाला लेस हम मंगवाए हैं किसी और DIY के लिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूज किए हैं, चारों रोल में यूज किए हैं, दोनों साइड यूज किए हैं, बॉटम में यूज किए हैं। तो फुल लुक जब दिखाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किधर किधर। और ये ना बहुत लंबा वीडियो हो गया था भाई बनाते होना, तो मतलब सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हम बना ही रहे। अब मेरे को डिनर वगैरह सब कुछ बनाना है, सारा काम बाकी है। और इस काम को था कि मेरे को आज फिनिश करना है। और ये देख रहे हैं प्रॉपर ये बन चुका है, पूरा लुक आपको दिखाते हैं कैसा बना है। तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, सब बोलता है कि स्मिता मैडम जो है ना अपना घर को कितना अच्छा रखती। देखिए, अरे कबाड़ नगर के कबाड़ी, ओए कबाड़ान, क्या एक मिनट, हम तो आपका जो है ना दिखाते हैं। हाँ, काहे नहीं दिखाए, देखिए कितना जो है ना अच्छा से अपने रखी है सब चीजों को। हाँ, इधर बोलो। अच्छा, पूरा फालतू जो है बना दी मेरे घर को। देखिए मैडम, सुनिए,
एक बात हम ना साफ साफ कह देते हैं आपको, ये बोर्ड क्या, हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। हो गया ठीक है, इतना गंदगी मत फैलाइए आप, समझे यार तुम मेरा। ये देखिए, हाँ चलिए, क्या हो गया प्यारी प्यारी आपके हाथों को, क्या हुआ? ये पूरा वो ग्लू लग गया, निकल गया। तो उसको आपने पोछा नहीं, साफ क्यों नहीं किया बताइए जरा? ये बहुत लग गया था, चलिए फाइनली ये टुकड़ा टुकड़ी बन गया, नहीं बना कुछ भी। कैसे नहीं बना जानू, ऐसे नहीं बोलिए आप, इतना गलत जो है ना, इतना सच्चा हरिश्चंद्र के सामने आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? धीरे ऋषि, धीरे धीरे कर बेटा, बर्ता कोशिश बहुत की है, कोशिश बहुत की है, फाइनली बना तो पता नहीं कैसा बना, आप लोग बताइएगा। कोशिश करने वालों की, हाँ, चश्मा निकाल दो तब समझो। जानू, हाँ, कोशिश करने वालों की या कभी हार नहीं होती, या समझे, हाँ? प्यार करते चलो तुम मुझे। तो हमने ये देख रहे हैं, ये जो था बेकार का, ये बेकार वाला जो था, हाँ, इससे बेकार चीजों से थोड़ा कुछ यूजफुल सामान बनाया, देखते हैं कितने। हाँ, बीबी ना एकदम क्या बोले, एकदम आगे हो गई रिसाइकल करने में, है ना? आप लोग कितना नंबर देते हैं, नंबर दीजिएगा कितने में कितना दीजिएगा, और बनाए तो हैं लेकिन एक परफेक्ट होता है वो नहीं, पहली बार हर चीज बनाते हैं। कैसे नहीं परफेक्ट है, दिखाइए जरा, लोग पागल हो जाएंगे। पधार रहे हैं, देखिए वाह, इतना खूबसूरत नजारा। ये मत समझिएगा कि स्मिता ने बनाया है, ये खरीद के लाई है, 50 यूरो मेरे 50 यूरो बर्बाद करके। आप लोग मानते हैं कि नहीं कि मेरी बीवी ने इतना सुंदर कैसे बना लिया, आई कांट बिलीव इट। पहले तो ये डिजाइन यही तक था, ये नहीं था, ये तो अभी दिमाग लगा, क्योंकि क्या ना थोड़ा सा ना सपोर्ट कितना भी दिए, थोड़ा सा जितनी हिल रहा होगा, हिल रहा था, तब ये ना ये वाला स्पंज मिला हमको फाइनली कहीं से, अभी लास्ट में, ठीक है, उसका यूज ये वाला टुकड़ा से जोड़ के इसको बनाया। और मेरा ये जो था 1 मीटर, ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर लग गया, और थोड़ा सा, अरे थोड़ा भी अगर घटता तो चल नहीं, हाँ, होता। इसमें थोड़ा सा ज्वाइन से दिख रहा होगा, इसमें घटा है थोड़ा सा ना जोड़ के, और क्योंकि ये वाला आइडिया नहीं था कि ये करना है, लेकिन मेरे को करना पड़ा ये, क्योंकि ये वाला ना थोड़ा सा ना इसे नहीं हो रहा था। इंजीनियर बन गए बेटा, दिमाग लगा रहे मेरे साथ, रह रहे के ना जानू दिमाग आ गया हमको, लग रहा है, क्या बोलते हैं आप, बहुत सुंदर, वाओ खूबसूरत एकदम। तो बाबा बहुत मेहनत लगा, पहले ना क्या होता है ना कटिंग छटिंग करने में जो मेरा कितना बर्बाद किया, ये देखो ये बर्बाद किया, उसके बाद फाइनल और ये जो है ना सब कुछ रिसाइकिल है, ये आपका बड़े वाले बॉक्स सब है, और ये जो है किचन का जो रोल आता है ना उससे बनाया, ये वाला डंडा का यूज नहीं किए क्योंकि ये ना इतना बड़ा हो जा रहा था, स्पेस भी ले रहा था, तो इसको हटा दिए। ये पूरा हम ना जमा कर रहे थे, ये देख रहे, इसीलिए जमा हो रहा था इतने दिनों से, एक दो और बनाएंगे अभी, ये देखिए ये वाला को जमा करके रखे थे, ये पूरा किचन पेपर का, इसका यूटिलाइज करके हमने ये क्या बनाया पता है, क्या बनाया, बेंगल रखने के लिए, बेंगल स्टोरेज, हाँ स्टैंड बनाए, हैंगर, हाँ इसमें आप 3 ही लेयर का यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, ये शोपीस है, ये सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मैं इस घर की सपोर्ट सिस्टम हूँ ना, वैसे सपोर्ट सिस्टम आप नहीं है जानू, आप ही सपोर्ट हैं। ये बताइए कितना में कितना नंबर दीजिएगा, बताइए 100 में कितने नंबर, 100 में 100 में 100 में, 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 100 में। और इसको ऐसे तो दिखा है, अब इसमें बैंगल जाता है कि नहीं वो भी तो आप लोग देखिएगा ना, कहिएगा बैंगल वाला बना ली, बैंगल तो इसमें डाली नहीं, ये भी तो अब डालना पड़ेगा ना, तो इसमें जाएंगे बैंगल, चलिए ऊपर डालते हैं। और एक खजाना इतना जो सुबह से हम बैठ बैठ के इसमें ये भी ये वाला भी नहीं जाने का था, फिर मेरे को आया कि थोड़ा गोल्डन लुक देते हैं ना, अच्छा वो पहले नहीं था डिजाइन ना, ये नहीं था, ये सुंदर लग रहा है, इसका तो DIY अलग है, घटियो ना जाए, उसका DIY तो उसका दूसरा प्लान अलग है, बहुत सारे प्लान। ए स्मिति बोल मेरे पति मैंने इतना मेहनत किया है तुझे, तुमको रगेट रगेट किया अभी जो है ना, डिसुम डिसुम करेंगे हम, चलिए अब जितनी बार आया है ना ऊपर से तुम्हारा बाजार पस रहा है, मैं घर को घिनाई भी है, समेटे की कब, अभी ढन मन पन हो रहा था, वो मेरा बेटा बर्तन रख के गया, उसका काम था, लेट कर दिया, तो बहुत काम करता है मेरा बचवा भाई। आज ये पूरा बन गया, अब हमको खाना पीना, किचन का हाल बेहाल है उस साइड,
और उसके बाद अभी किचन अरेंज करना है, खाना पीना। पहले चलिए आपको इसमें बैंगल दे रख के दिखाते हैं। आप सुनिए ना, अच्छा अच्छा कमेंट लिखिएगा ना मैंने कैसा बनाया, समझे? क्या बोलता है? सही बोलता अरे सही बोलता। चलिए चलिए क्या बाबू, क्या चोरी उरी पसार लिए हैं आप? रख रहे हैं, बस मार दो। मैं चूड़ी वाले, चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी। ये चूड़ी हम थोड़े बेच रहे। कंगना ले लो। कंगना बोले क्या बोले, बिंदिया बोले क्या बोले, साथ सजन का छूटना। जो लाल वेलवेट दिए ना पेपर, तो एक नंबर लग रहा है एकदम सुंदर। ये देख सकते हैं भाई, ये देख सकते हैं खूबसूरती का नजारा। मेरी बीवी को मत देखिएगा खूबसूरती का नजारा, मैं इस लाल लाल चीज को बोल रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं बीवी को जो है ना सजाते हुए। अच्छा इसका हमारी बीवी का एक खिलौना है, खिलौना। अच्छा बहुत सुंदर। चलिए